ओम शांति। आज 16 अगस्त 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें पवित्र रहने का व्रत लेना है, बाकी निर्जल रखने, भूख हड़ताल आदि करने की जरूरत नहीं। पवित्र बनो तो विश्व का मालिक बन जाएंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, इस समय दुनिया में सबसे अच्छे कौन है और कैसे? उत्तर है, इस दुनिया में इस समय सबसे अच्छे गरीब है, क्योंकि गरीबों को ही बाप आकर मिलते हैं। शाहूकार तो इस ज्ञान को सुनेंगे ही नहीं, बाप है ही गरीब निवास, गरीबों को ही शाहूकार बनाते हैं। आज की मुरली से पहले गीत है, आज के इस इंसान को क्या हो गया है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, वह दैवी प्यार जिसको ईश्वरीय प्यार कहे, अब ईश्वर प्यार सिखलाते हैं। बाबा कहे, अब ईश्वर आकर प्यार सिखलाते हैं कि कैसे एक दो को प्यार करना चाहिए। भारत में कितना सच्चा प्यार था, जब सच खंड था। सच खंड किसने बनाया था? सत गुरु, सत बाबा, सत टीचर ने। अभी तुम किसके आगे बैठे हो? सच बाबा, अर्थात जो सच्चा सुख देने वाला है। सच बाबा जो सच्चा सुख देने वाला है, सच्चा प्यार सिखलाने वाला है, सच्चा ज्ञान देते हैं, उनके सन्मुख बैठे हैं। झूठ खंड में तो सब झूठ है, गाया भी जाता है कि सत का संग करो। सत तो एक ही है, असत्य अनेक है। जो बाप भारत को स्वर्ग बनाते हैं, बेहद का वर्षा देते हैं, तुम उस बेहद बाप के सन्मुख बैठे, जो फिर से हमको बेहद की बादशाही देने आए हैं। सत बाबा एक ही है, जिसके संग से तुम विश्व के मालिक बनते हो। भक्ति में पहले पहले एक ही शिव बाबा की सच्ची सच्ची भक्ति होती है, उसको ही सच्ची अव्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। बाबा बैठ तुम बच्चों को सारे चक्र का ज्ञान सुनाते हैं। पहले पहले एक शिव बाबा की भक्ति थी, जिसको अव्यभिचारी भक्ति कहते थे। फिर अभी ज्ञान भी तुमको सच्चा सुनाते हैं, झूठी भक्ति से छुड़ाते हैं। सच्चे बाबा द्वारा तुम ज्ञान सुन रहे हो। तुम जानते हो, यह सत का संग हमको स्वर्ग में ले जाएगा। सच्चे ज्ञान से ही बेड़ा पार होता है, और जो झूठा ज्ञान सुनाते हैं उससे बेड़ा गर्क होता है, उसको अज्ञान कहा जाता है। सच्चा ज्ञान सिर्फ बाप ही सुनाते हैं। तुम बच्चे सारे चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को समझ गए हो, तो यह सच्चा सच्चा बाबा, सच्चा सच्चा टीचर है। सतयुग में भी सच्चा बाप कहेंगे, क्योंकि वहां झूठ होता ही नहीं। ईश्वर को सर्वव्यापी नहीं कहते। झूठ तो तब शुरू होता है जब झूठ बनाने वाले 5 विकार आते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बेहद के निराकार बाप के सन्मुख बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? हाँ, सच्चा ज्ञान देने वाला, सच्चा सुख देने वाला, सच्चा प्यार सिखलाने वाले निराकार बेहद के बाप के सन्मुख बैठे हैं। यह बाबा भी कहते हैं, ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि हम उस बाबा के सन्मुख बैठे हैं। उनको याद करता हूं, ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते, उनको याद करता हूं, घड़ी घड़ी याद करता। बाबा का बच्चा हूं ना, तुमको तो इस साकार को छोड़ उनको याद करना है। हमारे लिए तो एक ही बाबा है।
ब्रह्मा बाबा कहते हैं, हमारे लिए तो एक ही बाबा है, तुम्हारे लिए थोड़ी अटक पड़ती है। ब्रह्मा बाबा कहते हैं, तुम बच्चों के लिए थोड़ी अटक पड़ती है। कौन सी अटक? तो कई बच्चे कहते हैं, मुझे क्यों अटक पड़ेगी, तुम्हारी नजर इस पर जाती है। मेरी नजर किस पर जाएगी? ब्रह्मा बाबा कहे, मेरे लिए तो और कोई है नहीं, कोई शरीर है नहीं, तो मेरी नजर किस पर जाएगी? मेरा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन हो गया। तुमको शिव बाबा को याद करना पड़ता है, इस साकार को क्रॉस करना पड़ता है। ये अटक है कि यह याद न पड़े, यह ब्रह्मा बाबा की देह याद न पड़े। मेरे लिए तो एक शिव बाबा ही है, तुम्हारे सामने दो बैठे हैं, हमारे सामने तो सिर्फ एक ही है। मैं उनका बच्चा हूं, फिर भी निरंतर याद नहीं कर सकता। तो ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं कि फिर भी निरंतर याद नहीं कर सकता, क्योंकि बाबा कहते हैं, तुम कर्म योगी हो, तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है। सत्युग त्रेता में इतने जन्म पास किए, फिर इतने जन्म लेते लेते 84 जन्म का चक्र पूरा किया, हिसाब है ना। अब कलयुग का अंत आ गया, फिर आगे नया चक्र फिरेगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होती है। सत्युग में कौन थे, कहां पर राज्य करते थे, यह भी तुम जानते हो। इस सारे विश्व पर देवताएं ही राज्य करते थे। अभी तो कहेंगे, तुम हमारी हद में नहीं आओ, हमारा पानी ना लो, बाबा तो बेहद का मालिक बनाते हैं। बाबा कहते हैं, मुझे याद करो, यह बाबा नहीं कहते, ब्रह्मा बाबा नहीं कहते कि मुझे याद करो। इन द्वारा निराकार बाबा तुम आत्माओं को कहते हैं, मुझे याद करो, तो तुम कभी रोगी व बीमार नहीं होंगे। कितनी गारंटी बाबा देते हैं। यहां तो बाप बच्चों को पैदा कर बड़ा करते हैं, फिर अचानक अगर वह मर जाते हैं, यानी शरीर छोड़ देते हैं, तो सब कितने दुखी हो पड़ते हैं। फिर तो शरीर निर्वा अर्थ खुद ही सर्विस करनी पड़े, यह तो है ही दुख धाम। बाप तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाप और वर्षे को याद करो, बच्चा जानता है कि बाप से हमको वर्षा मिलना है, तो भी अपना धंधा दूरी जरूर सीखते हैं, वर्षे के लिए बैठ तो नहीं जाएंगे। बाकी सिर्फ जो राजाई में जन्म लेते हैं, वो वर्षे के लिए बैठते हैं। बहुत दान पुण्य करने से राजाई घर में जन्म मिलता है, राजाई ही संभालनी पड़े, वह राजाएं तो पतित है। अब तुम्हें पावन राजाओं के पास जन्म लेना है, लक्ष्मी नारायण के घर में व सूर्यवंशी की राजाई में जन्म लेना है। वहां कोई प्रकार का दुख होता नहीं, सभी दुखों से छूट जाते हो। बाबा आकर धीरज देते हैं, अभी यह अंतिम जन्म है, तुम्हारी तो जन्म जन्मांतर से ये हालत होती आई है, बच्चे गिरते ही आए हैं दुखधाम में, सुखधाम कहां से आए, यहां तो दुख बहुत है, सुख अल्पकाल का है, दुख बहुत है, सुख अल्पकाल का है। बल बड़े बड़े आदमी हैं, उनको भी दुखी दुख है, इस समय जो गरीब है वह सबसे अच्छे हैं। बाबा आए ही है गरीबों को शाहूकार बनाने, दान भी गरीबों को करना होता है, सब साधारण है ना। बाकी जो लखपति है, जिनके पास करोड़ों रुपया है, कितना भी उन्हें समझाओ, फिर भी अपने धन की कितनी मगरूरी रहती है। बाबा कहते हैं, ऐसे को क्या धन देना है, मैं तो हूं ही गरीब निवास। ऐसी कन्याएं माताएं ही ज्ञान लेती है, कन्या का कितना मान है,
सब उसे पूछते हैं। फिर शादी करने से पुजारी बन जाती है। हम आधा कल्प पूज्य फिर आधा कल्प पुजारी बने हैं। कन्या तो इस जन्म में ही पुजारी बन जाती है। इतना पावन है, शादी करने से ही पुजारी पतित बन जाती है। पतित को परमेश्वर समझ माथा टेकती रहती है, उनके आगे दासी बनकर रहती है। तो बाबा आकर दासी पने से छुड़ाते हैं। बच्चे वृद्धि को पाते जाते हैं। तुम समझा सकते हो, हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के पोत्र हैं। उनकी मिल्कायत पर हमारा हक लगता है। उनकी मिल्कायत है बेहद की, विश्व का मालिक बनाते हैं। उनका फरमान है, बच्चे माँ में कम याद करो। तो मैं सत्य कहता हूं, तुम नारी से लक्ष्मी बन जाएगी। इसमें कोई व्रत नेम करना, भूखा रहना नहीं है। आगे तुम बहुत व्रत नेम रखते थे, 7 रोज खाना नहीं खाते थे। समझते हैं व्रत नेम रखने से कृष्णपुरी में चले जाएंगे। वास्तव में सच्चा व्रत है कौन सा? पवित्र रहने का। वह तो हट से भूखे रहते हैं। तुम बच्चों को कुछ भी भूख हड़ताल आदि नहीं करना है। हाँ, तुमको पावन बनने की ही हड़ताल करनी है। हाँ, कोई भूख हड़ताल नहीं करनी है, लेकिन बाबा कहें हाँ तुमको पावन बनने की ही हड़ताल करनी है। हम सबको पावन बनाएंगे। तुम्हारा धंधा ही यह है, बाकी निर्जल रहना, खाना नहीं खाना, इससे कुछ होता नहीं है। तुम सिर्फ पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। माताओं को पति के मरने से बहुत दुख होता है। उन्हों को जाकर समझाना चाहिए कि अब पतियों का पति आया हुआ है। वह कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह तो पतियों का पति, बापों का बाप है। पति मर जाए तो स्त्री को ज्ञान समझाए, शिव बाबा से सगाई करानी चाहिए। समझाना है कि तुम रोती क्यों हो। सत्युग में कोई रोते नहीं है, यहां देखो सब रोते रहते हैं। भारत में सच्चा सच्चा देवताओं का राज्य था, आज तो एक दो को मारते कूटते रहते हैं। आसुरी राज्य है ना। लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है, इसमें सारा सेट है। त्रिमूर्ति लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण भी है। ये चित्र भी अगर कोई रोज देखता रहे तो याद रहे कि शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा यह बना रहे हैं। घर में भी छोटे छोटे बोर्ड बनाकर लिख दो। पहले इस समय में यज्ञ के अंदर छोटे छोटे लकड़े के बोर्ड होते थे, पान के आकार में, पत्ते के आकार में, जिस पर लिखा होता था शिव बाबा याद है, वर्षा याद है। तो बाबा कहे घर में भी छोटे छोटे बोर्ड बनाकर लिख दो। बेहद के बाप को जानने से तुम 21 जन्म के लिए स्वराज्य पद पा सकते हो। धीरे धीरे बहुत मनुष्य बोर्ड देखकर तुम्हारे पास आएंगे। तुम रूहानी अविनाशी सर्जन हो, रूहानी सर्जरी का कोर्स पास कर रहे हो, बोर्ड लगाना पड़ेगा। बोलो, इस बाप को याद करने से तुमको बेहद की बादशाही मिलेगी। बाबा ने प्रश्न बहुत अच्छे लिखे हैं। बाबा के कितने रूहानी बच्चे हैं? बाल बछड़े वाला है ना, इसमें भाई बहन दोनों आ जाते हैं। बाबा के पास आते हैं तो समझाता हूं कितने भी के हैं, कितना बछड़े वाला हूं। बच्चे वृद्धि को पाते जाते हैं। तुम समझा सकते हो हम भाई बहन हैं, विकार की दृष्टि जा नहीं सकती है। बाप कहते हैं देह सहित देह का झूठा संबंध छोड़, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। तुम अंजाम भी करते आए हो, मेरा तो एक शिव बाबा
दूसरा न कोई। बुढ़िया भी ये दो अक्षर याद कर ले तो बहुत कल्याण हो सकता है। हमने 84 जन्म लिए हैं, अभी हम ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। ब्राह्मण जरूर बनना है और बनेंगे भी जरूर कल्प पहले मुआफिक, ढेर के ढेर बनेंगे। अभी ब्राह्मण बच्चे जो विलायत आदि तरफ है वह भी निकल आएंगे। याद तो करते रहते हैं। बाबा कहते हैं अपने कुटुंब परिवार में रहते अपने को आत्मा समझो, शिव बाबा का पोतरा अपने को समझो। हम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, हम शिव बाबा के पोतरे हैं। तो बाबा कहे शिव बाबा का पोतरा अपने को समझो, हम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। कलयुग में मनुष्य है, सत्युग में बनेंगे देवताएं। कलयुग में सब आसुरी मनुष्य है, अभी तुम दैवी संप्रदाय के बन रहे हो, ये बाप ही बतलाते हैं, दूसरा कोई बतला ना सके। इन वर्णों को कोई जानते ही नहीं है, तुम ब्राह्मण ही नॉलेज समझा सकते हो। जब तक कोई तुम बीके द्वारा ज्ञान न लेवे तब तक समझ नहीं सकते, तुम ही दे सकते हो। इसमें बड़ी दिल साफ चाहिए। बाबा क्या कहे, इसमें दिल बड़ी साफ चाहिए, दिल साफ मुराद हासिल। कोई कोई की दिल साफ नहीं होती है। सच्ची दिल से सच्चे बाप की सेवा में लग जाना चाहिए, हॉबी होनी चाहिए। हमारा काम है समझाना। यह भी जानते हो 108 से माथा मारेंगे तो कहीं एक की बुद्धि में बैठेगा। 108 से माथा मारेंगे तो बाबा कहे कहीं एक की बुद्धि में बैठेगा। एक दो निकल आएंगे जो कल्प पहले निकले होंगे, बीके बना होगा वही आएगा। थकना नहीं है, कुछ भी हो जाए बाबा कहे तुम्हें सेवा करते रहना है, थकना नहीं है। तुम मेहनत करते रहो, कोई ना कोई निकल ही पड़ेगा। कहां भी जाओ, मित्र संबंधी के पास जाओ, शादी मुरादी में जाओ, हर एक के कर्म अनुसार राय दी जाती है। मुख्य है पवित्र रहने की बात। कहां बाहर खाना भी पड़ता है। अच्छा बच्चे शिव बाबा की याद में रहेंगे तो माया का असर नहीं होगा। बाबा सबको छुट्टी नहीं देते हैं। दूसरे सेंटेंस में बाबा ने स्पष्ट कर दिया, बाबा सबको छुट्टी नहीं देते हैं, लाचारी हालत में देखा जाता है, नहीं तो नौकरी छूट जाएगी। हर एक को अलग अलग राय दी जाती है। दुनिया बहुत खराब है, कईयों के साथ रहना होता है। एक कहानी भी है, गुरु ने चेले को कहा शेर की गुफा में रहो, वैश्या के पास रहो, परीक्षा लेने भेजा। वास्तव में वह कोई परीक्षा नहीं, यह तुम बच्चों के लिए है। तुमको शेर के पास तो नहीं भेजेंगे, शिव बाबा कोई हम बच्चों को शेर के पास तो नहीं भेजेंगे। बाप तो समझाते हैं, कोई भी हो उन्हों को बाप का परिचय दो। दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। झाड़ बढ़ता है तो है ना, झाड़ बढ़ता तो है ना, तब तो विनाश भी शुरू हो। इनसे पहले विनाश तो हो न सके, जब तक झाड़ पूरा वृद्धि को न पाए तब तक विनाश तो हो न सके। यहां तो राजधानी स्थापन हो रही है। बाप तो कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदिए बच्चों प्रति, माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माँ पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है,
पहली पॉइंट, नॉलेज को धारण करने के लिए दिल बड़ी साफ रखनी है। नॉलेज को धारण करने के लिए दिल बड़ी साफ रखनी है। सच्चे दिल से बाप की सेवा में लगना है। सेवा में कभी भी थकना नहीं है। दूसरी पॉइंट, वायदा करना है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। देह सहित देह के सब झूठे संबंध छोड़, एक से सर्व संबंध जोड़ने हैं। गरीबों को ज्ञान धन का दान देना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान है, भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति से सदा खुश रहने और खुशियां बांटने वाले सहज योगी भव। भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति से सदा खुश रहने और खुशियां बांटने वाले सहज योगी भव। संगम युग खुशियों का युग, मौजों का युग है, तो सदा खुशी में रहो और खुशियां बांटते रहो। भाग्य और भाग्य विधाता सदा याद रहे। बाप मिला सब कुछ मिला, यह स्मृति ही सहज योगी बना देंगी। दुनिया वाले कहते हैं कि कष्ट के बिना परमात्मा नहीं मिल सकता, और आप कहते घर बैठे बाप मिल गया। जो सोचा नहीं था वह मिल गया, खुशियों का सागर मिल गया। इसी खुशी में रहो, यह भी सहज योग है। आज का स्लोगन है, शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करने वाले ही सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं। शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करने वाले ही सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/TV Peace of Mind. Just a click for a peaceful life.